हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में हमने आई वांट मंकी वाला जो लेसन था उसका पार्ट वन एंड पार्ट टू उधर तक देखा था। पार्ट टू हमने लास्ट में इधर कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे इधर से पार्ट थ्री। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट थ्री, लास्ट पार्ट। तो लास्ट में हमने देखा था कि जो लिटिल मंकी है उसके पास पहले क्या आता है? जिराफ की लंबी नेक। फिर पहले आती है जिराफ की लंबी नेक, लॉन्ग नेक। फिर सेकंड में क्या आता है उसके पास? एलिफेंट की ट्रंक, सूंड आती है। और लास्ट में उसके पास तीसरा क्या आता है? जेब्रा के स्ट्रेप्स। तो ये तीनों चीज़ें उसके पास है अभी, है ना? लिटिल मंकी के पास है। ये रहा उसका पिक्चर, है ना? लिटिल मंकी के पास क्या क्या है? जिराफ की लॉन्ग नेक, एलिफेंट की लॉन्ग ट्रंक, जेब्रा के स्ट्राइप्स। और फिर वो कहाँ देखता है? पानी में, रिवर में देखता है। तो उसको क्या दिखाई देता है? खुद की ही परछाई दिखती है। पर उसको ऐसा लगा कि ये मॉन्स्टर है, तो वो रोता है और फिर अपनी मम्मी को बुलाता है कि हेल्प करो, है ना? तो फिर वो कहाँ है? ये रहा, ही सीज हिमसेल्फ इन द वॉटर। वो पानी में अपने आप को देखता है। मदर, फिर अपनी मम्मी को बुलाता है। ही क्राइस, वो रोता है। हेल्प अ मॉन्स्टर, मेरी मदद करो। पानी में उसको कौन दिखा? मॉन्स्टर। पर क्या ये मॉन्स्टर है? नहीं, है ना, उसी का ही परछाई है। और उसको वो मॉन्स्टर समझ रहा है। तो उसकी मम्मी, अब देखो इधर क्या है, दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, सेज हिज मदर। वह मॉन्स्टर नहीं है, दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, वह एक मॉन्स्टर नहीं है, उसकी मम्मी ने कहा। किसकी मम्मी ने? लिटिल मंकी की। दैट्स यू, वो तुम हो। सही कहा ना उसकी मम्मी ने? उसकी मम्मी ने कहा कि रिवर में मॉन्स्टर नहीं है, वो तुम ही हो। तो वैसा ही है ना, देखो मॉन्स्टर नहीं है, ये खुद ही है। अब उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यू वॉन्ट अ जिराफ स्नेक एंड एलिफेंट ट्रंक एंड स्ट्रेप्स लाइक अ जेब्रा। अब उसकी मम्मी उसको और एक बात ये बताती है कि तुमको जिराफ की नेक चाहिए थी, फिर तुमको एलिफेंट की ट्रंक चाहिए थी, और जेब्रा की जैसे स्ट्राइप्स भी चाहिए थे तुमको। जेब्रा के जैसे स्ट्राइप्स हैं वैसे भी स्ट्राइप्स तुमको भी चाहिए थे। डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुमको याद नहीं है? डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुमको याद नहीं है? लिटिल मंकी क्राइस एंड क्राई। फिर ऐसे रिवर में खुद को देख के लिटिल मंकी क्राइस एंड क्राइस, यानी कि रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। और फिर आई लुक ऑफुल ही सेज, और ही सेज यानी कि लिटिल मंकी जो है वो कहता है आई लुक ऑफुल। ऑफुल मतलब गंदा लगना। वो बोलता है कि मैं तो बहुत ही गंदा लग रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन। अब फिर से लिटिल मंकी क्या चाहता है? कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ टू बी माई सेल्फ अगेन। टू बी माई सेल्फ यानी कि जैसा मैं पहले था वैसा ही मैं फिर से बनना चाहता हूँ। जैसा मैं पहले था वैसा ही मैं फिर से बनना चाहता हूँ। देर इज अ पॉप, अ बैंग एंड अ विश। तो जैसा ही वो विश करता है कि मैं पहले जैसा था वैसा ही बनना चाहता हूँ, वैसे ही पॉप पॉप हो गया, बैंग हो गया और विश भी हो गया। अब पॉप कैसे हो गया? पॉप उसने कब यूज़ किया था?
जब जिराफ की लॉन्ग नेक चाहिए थी तब वो उसने पॉप की पॉप कहा था ना, तो वैसे ही पॉप कर पॉप उसकी लॉन्ग नेक चली गई। अब बैंग, बैंग कब यूज़ किया था उसने, जब उसको एलिफेंट की लॉन्ग ट्रंक चाहिए थी तब उसने क्या कहा था, अ बैंग। तो क्या हुआ, अचानक से फिर उसकी अब लंबी सूंड जो है वो चली गई थी, एंड अ वीज। तो वीज उसने कब कहा था, जब उसको जिराफ के जैसे स्ट्राइप्स चाहिए थे तब। तो फिर उसके जिराफ के जैसे स्ट्राइप्स थे वो भी चले गए। कैसे चले गए, उसके पास मैजिक वैंड थी ना, उसकी हेल्प से। तो लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, यानी कि लिटिल मंकी जो है वो जैसा था वैसा ही अब हो गया है ना। जैसे ही उसने रिवर में देखा तो वो तो उसको लगा कि मैं तो बहुत ही गंदा लग रहा हूँ, रोता रहता था। फिर उसने कहा कि अब तो मैं जैसा था वैसा ही बनना चाहता हूँ। तो जैसा ही उसने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ, तो तुरंत ही पॉप बैंग वीज हो गया, यानी कि लंबी नेक, लंबी ट्रंक और जेब्रा के स्ट्राइप्स तीनों चले गए, और लिटिल मंकी जैसा था वैसा ही बन गया। ही जंप्स फॉर जॉय, और वो खुशी से ही जंप्स, वो कूदने लगा, फॉर जॉय खुशी से वो कूदने लगा। क्यों कूदने लगा वो खुशी से, क्योंकि वो जो उस वो तीनों से उनकी चीज़ें लेकर वो गंदा लुक गंदा लग रहा था ना, इसलिए अब वो वैसा बन गया जैसा वो बनना चाहता था, जैसा वो था। तो इधर है लास्ट, ही थ्रोस द मैजिक वैंड इन टू द रिवर। थ्रोस यानी कि फेंकना, जैसे कि मैंने पेंसिल फेंक दी, वैसे ही मंकी ने क्या किया, मैजिक वैंड जो थी वो उसको थ्रो कर दिया, फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, इन टू द रिवर, रिवर में फेंक दिया। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स अगेन, ही नेवर वॉन्ट्स, फिर वो कभी भी दूसरों के जैसे नहीं बनना चाहता था। अगेन यानी कि फिर से, वो कभी भी दूसरों के जैसे नहीं बनना चाहता था, है ना। उसने मैजिक वैंड रिवर में डाल दी, फिर वो मैजिक वैंड लेकर किसी और का कुछ मांग ले फिर उसको अच्छा नहीं लगे, इससे अच्छा उसने मैजिक वैंड रिवर में डाल दी, रिवर के अंदर डाल दी, और फिर वो जैसा था वैसा ही अब खुश है, है ना। He never wants to be anyone else again. अब इसके जो न्यू वर्ड्स हैं उसमें पहला है स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, वैंड यानी कि छड़ी, मैजिक वैंड थी ना वो, विशिष यानी कि इच्छाएं, ब्लोस मतलब फूंकना, ट्रंक सूंड, मॉन्स्टर तो शैतान या फिर राक्षस। अब यही वाले हैं वो हार्ड वर्ड्स हैं, तो वो मैंने इधर नोटबुक में लिखे हैं, तो ये इधर हम करेंगे यूनिट टू, उसका सेकंड लेसन, लेसन का नेम है आई वॉन्ट। इधर लिखेंगे हार्ड वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वैंड छड़ी, विशिष इच्छाएं, ट्रंक सुंड और मॉन्स्टर यानी कि राक्षस। एक बार हम इधर लिखेंगे और दूसरी बार इधर लिखेंगे, वो आपका होगा होमवर्क, एक बार इधर दूसरी बार इधर। ओके, तो इतना आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।